वेलकम फ्रेंड्स, आप मेरे हाथों में ये जो कलरफुल चीज़ें देख रहे हैं, ये सैंड की जो पत्थर आते हैं वही पत्थर है जिसको मैंने कलर किया है। और चलिए फिर देखते हैं इससे हम कैसे अपने बच्चे के लिए DIY होममेड झुनझुना बना सकते हैं। तो इसे हम कोई भी कलरफुल पत्थर लीजिए, अगर आपके पास कोई पत्थर ना हो तो आप सरसों के दाने भी ले सकते हैं। और उसको लेके सिर्फ आपको लेने की ज़रूरत है ऐसे एक कंटेनर जो कि खाली हो, छोटा सा हो और जो बच्चे की ग्रिप में आ सके। फिर उसके बाद आपको इसमें जो सरसों आप लेंगे तो सरसों भी डाल सकते हैं, या पेबल्स लेंगे तो पेबल्स भी डाल सकते हैं और उसे डालते हैं। उसके बाद आप इसे थोड़ा टाइट करके इस कैप को लगा दीजिएगा और उसके बाद देखिए ये बज रहा है, ये साउंड क्रिएट कर रहा है, ये है श्लोक शिवांश। बाजाओ तो बाबा, बाजाओ 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 बाजाओ। बजाओ 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 हैं। तो आप सभी ने देखा वो कैसे इस चीज़ को लेकर खेल रहा था वो। इजे बाबा ना 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 बजाओ 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 देखिए आप देख सकते हैं वो कैसे इसके साथ खेल रहा है। वो भी कैमरा की तरफ फोकस कर रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही।